नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ लेटेस्ट न्यूज अपडेट में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। प्यार, तकरार और तीन तलाक, आशिकी की खुमारी में विनीता बनी आलिया अहमद। शादी के 10 साल बाद अब इस वजह से शोहर ने कहा तलाक तलाक तलाक। दुर्ग जिले के पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र में तीन तलाक के मामले में पुलिस ने पत्नी की शिकायत पर पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 10 साल पहले लव मैरिज करने वाली विवाहिता ने अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। विवाहिता की शिकायत के बाद पुरानी भिलाई पुलिस ने अपराध दर्ज कर पति को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दरअसल विनीता मल्होत्रा उर्फ आलिया अहमद ने शिकायत दर्ज कराई कि 10 साल पहले उसने जोहल अहमद नाम के युवक से लव मैरिज की थी। शादी के बाद विनीता ने धर्म बदला और अपना नाम आलिया अहमद रख लिया। शुरुआत में सब ठीक चल रहा था, लेकिन बाद में दोनों के बीच विवाद शुरू गया। दोनों के बीच विवाद इस कदर बढ़ा कि जोहल अहमद ने 3 मई 2023 को 3 बार तलाक तलाक बोलकर संबंध तोड़ लिया। पीड़िता ने यह भी बताया कि उसने कोर्ट में भरण पोषण का मामला भी लगाया है। आलिया की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी पति जोहल अहमद को गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से आरोपी को न्यायिक हिरासत में उसे भेज दिया गया। बता दें कि देश में तीन तलाक पर सरकार ने बैन लगा दिया है, इसके बाद भी इस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं। तीन तलाक बैन के बाद दुर्ग में इस तरह की पहली घटना सामने आई है।